गुड मॉर्निंग सर, एमडी साहब बीच समंदर में है। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर, कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी, यही है हमारे एनसीसी मास्टर। आप सूर्या सिंह? दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो पुरानी बात है, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर। ओह, प्लीज सिट डाउन। यस थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर, वो मेरे पापा है, वो मेरी मामा, ये माँ और ये चाची। जी, असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर, कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, उनका दिल ना दुखे, इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए, खाइए ना। नहीं नहीं, थैंक यू। ये ताजी मछली है, खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते। मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो। वही तो सब कुछ होते हैं ना सर, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किन की बात मानेंगे। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके कुछ नहीं नहीं, थैंक यू। इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर। चलता हूँ। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते चाचा जी, मैं नहीं छोड़कर आती हूँ। आप आए, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी फैमिली में आप सबको बहुत पसंद आए, आप भी तो उनके साथ इमीडिएटली मर्ज हो गए। मर्ज वगैरह की बात करके मक्खन लगाओगे ना तो दूंगा एक रख के। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी इश्क विश्क नहीं हो सकता। कीप दैट इन योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड। हेलो सिंगम सर, मैं मुंबा देवी के दर्शन करने आया हूँ। और अभी गेस्ट हाउस में ही हूँ, थोड़ी देर में मुझसे मिल सकते हो? विद इन एन आवर आई विल बी देयर सर। गुड मॉर्निंग जगतराज जी, नाम मिस्टर सूर्या सिंघम, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई। अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है पता करके बताओ। आओ आओ सिंगम। सर, एनी डेवलपमेंट्स? सर, मुंबई में हथियारों की तस्करी नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है। मुंबई के वेस्टर्न एरिया को पूरी तरह से हब बनाकर रखा है। ये क्या कह रहे हो? पूरी मुंबई में एटलीस्ट 250 कॉलेजेस हैं और 850 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सर। एक कॉलेज के अगर 10 बच्चे और एक स्कूल के अगर 5 बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं तो एक साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है सर। एक स्टूडेंट अपने नाखून में भी रख के उसका इस्तेमाल कर सकता है सर, उसके पेरेंट्स को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। एडिक्ट और बीमार होकर जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तभी पेरेंट्स जान पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में कई जगहों पर ड्रिंक पार्टी करने के बजाय ड्रग पार्टीज करने का कल्चर जोर शोर में चल रहा है सर। इसमें परेशानी वाली मुख्य बात है नाबालिग लड़कियां जो इसकी चपेट में आ रही है सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सारे अधिकारी सो रहे हैं? नहीं सर, कई ड्रग पार्टीज में छापा मारा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सप्लाई का 5% भी नहीं है। जब इतनी छानबीन कर ही ली है तो फौरन चार्ज क्यों नहीं ले लेते हो? अगर अभी चार्ज लिया तो सिर्फ भाई और सहाय को ही मैं अरेस्ट कर पाऊंगा, पक्के सबूत के साथ कि कहां कहां से ड्रग्स आता है, कौन कौन उसे सप्लाई करता है और किस किस को ये बेचा जाता है। जब तक ये डिटेल्स मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं चार्ज नहीं लूंगा सर। पूरे गिरोह को अपने हाथों में दबोच कर पकड़ना है सर। फ्यूचर में भाई और सहाय के खिलाफ हम जो कदम उठाने वाले हैं उसमें जगतराज भी हमारी हेल्प करेगा ऐसा मुझे लगता है। ये जगतराज कौन है? वो यहाँ का नंबर वन बिजनेसमैन है। आपने सूर्या सिंघम के बारे में जो डिटेल मांगी थी वो मिल गई है। 100% ही इज नॉट इन द डिपार्टमेंट। उसकी सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ इंक्लूडिंग पेंशन बेनिफिट सब सेटल हो चुका है। ओके, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह लड़कों की परेड है। वृंदावन होटल से नाश्ता मंगवा देना। हाँ ठीक है सर। अरे ये स्कूल टाइम पर कहाँ जा रही है, जरा पूछो इसे। ए सानिया, कहाँ जा रही हो? नहीं बताऊंगी। तुम नहीं बताओगी तो क्या न्यूज चैनल वाले बताएंगे? सर को बताओ कहाँ जा रही है। मैंने स्कूल आना छोड़ दिया है, टीसी लेने की एप्लीकेशन देने आई थी। टीसी किस लिए? एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती, ऐसा एनसीसी मास्टर ने कहा है। अब तो मैं स्टूडेंट नहीं रही, तो प्यार तो कर सकती हूँ ना। पहले ये बताओ तुम प्यार किससे करती हो? अरे अपने एनसीसी मास्टर से ही। क्या बक रही हो? क्या बोल रही हो तुम? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। आज फरवरी 14 है, मेरी तरफ से सर को विश कर देना। हैप्पी वैलेंटाइन डे। छोड़िए ना सर, उम्र रहते लड़की पड़ती है, उम्र ढलते शुगर बढ़ती है, आम बात। ये मक्खी तू ना जाने दीजिए ना, समझती नहीं सीन, बजाती है अपनी बीन। प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी सर। कुछ गलत कहा तो कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, थोड़ा नरमी से बात करनी पड़ेगी। अब तू किसी के सामने उल्टी मत कर देना। मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ सर।
हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरे किसकी हिम्मत जो मुझे हैप्पी वैलेंटाइन डे बोले? अरे ओ टीचर जी, मैंने आपको फूल नहीं मारा। मैं जानता हूँ आप एक पारिवारिक प्रोडक्ट है, आपकी शादी होगी, आपके तीन बच्चे, नहीं नहीं आपके तीन बच्चे हैं, मैं जानता हूँ आपको कैसे फूल देते हो मैडम। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा। चलो अच्छा हुआ, अफ्रीकन मादा गोरिल्ला मुझ पर तांडव करने वाली थी, मैं बच गया। चलो चलो चलो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैडम आप क्या कर रही हैं? फ्रेंड्स के साथ वैलेंटाइंस डे के लंच पर आई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कपल के साथ ही एंट्री है और मेरा कपल तो मुंबई में परेड करवा रहा है। तो फिलहाल तुम्हें अंदर जाना है, यही ना? तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? किस सुलू ने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? Are you here? It's unbelievable. तुम्हें देखने का मन हुआ तो 10:45 की फ्लाइट से आ गया। अरे आ गया। चल अंदर, चल, चल खींचे, अंदर जा, चल, रुक। सर स्कूल की छुट्टी कर दे रहे हैं। क्यों? शहर में चारों तरफ बबल मचा है। क्या हुआ? कल उस सहाय और सत्येंद्र के बीच दारू के नशे में बियर बार में झगड़ा हुआ था सर, उसके बाद लड़के ने सहाय की जात का नाम लेकर गंदी गंदी गाली दी सर। फिर सहाय ने धमकी दी सर कि उसकी बहन को उठाकर रात भर उसके साथ बलात्कार करेगा। अब उसकी बहन को उठा भी लिया है सर। तू किसी से कुछ मत कहना, मैं संभाल लूंगा। सर सर एक लड़के को भी काट। इंस्पेक्टर पांडे, कोई जाति विवाद हुआ है क्या? हाँ सर, दोनों ग्रुप को कलेक्टर ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया है। सर क्या हुआ सिंघम, मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मेरी बेटी को किडनैप कर लिया सहाय ने। तुम्हारी बेटी को सहाय ने उठाया तो इसके बेटे को तुम्हारी आदमी ने क्यों मारा? ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर 6 बजे तक लड़की वापस नहीं आई तो इतने लोगों के लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर ले रखी है, अगर शुरू हो गई ना तो शहर का एक एक आदमी मारा जाएगा। सर महारी क्या हो रहा है? ओके इन दोनों जात वालों ने अपनी झूठी शान के लिए पुलिस के 8 लोगों को पीटा जो अभी भी अस्पताल में। सर एसपी ऑफिस की मीटिंग में हूँ सर, बाद में बात करता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फोन को पॉकेट में रखो। सर जो कह रहा हूँ करो। आगे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तो एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, खाना खा के आराम से सो जाओ, शाम को आना। तब लाशें गिन के देखेंगे कितने लोग मरे हैं। सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ये क्या कह रहे हो? डीएसपी का चार्ज ले रहा हूँ सर। पुलिस? You mean now? हाँ जी सर, और कोई रास्ता नहीं है। This is the time sir. Posting order SP office में fax कर दीजिए। 6 बजे तक लड़की को rescue करके आपको report करता हूँ sir. Okay. Okay. तो पुलिस लेकर अपने area में जाओ। Daniel, बाबू, पांडे, चाली, सहाय के लोग कहाँ कहाँ हैं? मुझे तुरंत फोन करके बताओ। Okay sir. I'm Surya Singham, Deputy Superintendent of Police, specially appointed by Home Minister for the communal clash. Sir, DGP office se posting order aaya hua sir. To phir itne dino tak off duty mein tha, surveillance kar raha tha sir. Head charge. Sir, aaj jaisi meeting collector office mein hui thi, yahan bhi turant ek meeting arrange karni hogi. Carry on. Boss! सर इस प्रॉब्लम को भड़काने वाले दोनों तरफ के लोग जब यहाँ जमा हो जाए तो तुरंत ही 3 घंटों के लिए हंगामा करने वालों को यहीं पर ब्लॉक करना होगा। मोबाइल फोन सिग्नल्स को जैमर लगाकर ऑफ करना होगा। कम्युनिकेशंस कटते ही आधा हंगामा थम जाएगा। विंसेंट सर, समुद्र किनारे के लोगों को सपोर्ट करने के लिए समुद्र के रास्ते से कोई नहीं आना चाहिए। कोस्ट गार्ड को तुरंत अलर्ट कर दो और 2 बटालियन पुलिस को बोट लेकर समुद्र में राउंड अप करने को कहो। व्यापारियों को सपोर्ट करने के बहाने हंगामा करने वाला शहर में नहीं घुसना चाहिए। NH3, NH8, पुणे हाईवे, नासिक हाईवे सब जगह चेक पोस्ट लगाकर ब्लॉक कर दो। 6 बजे से पहले किसी को अंदर मत आने दो। लड़की को आखिरी बार यही देखा गया था सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। सर
एसपी ऑफिस में सभी बदमाशों को बंद कर दिया गया है सर। मैं मडगांव में हूँ सर। कितनी बोट समुद्र में काम करने गई है देखकर मुझे तुरंत फोन करो। ठीक है सर, ठीक है। चाहे कुछ भी हो हम सबको देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ सर। 144 इंप्लीमेंट करने की इंस्ट्रक्शंस दे दो।